नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं फोर का फायर। आपके साथ में हूं ज्योत्सना बेदी। आज फोर का फायर में बात करेंगे श्रीलंका में प्रधानमंत्री आवास पर जनता के कब्जे की, हर तस्वीर आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं दीपिका यादव। फोर के फायर में आज आपको बताएंगे कि सिंगापुर के लिए निकले गोटाबाया का आखिरी प्लान क्या है। नमस्कार, फोर का फायर में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। और आज फोर का फायर में आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरह से देश के अलग अलग इलाकों में बाढ़ और बारिश की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। फोर का फायर में यानी कि अगले एक घंटे के इस न्यूज बुलेटिन में सभी बड़ी खबरें हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले फटाफट अंदाज में देखते हैं 50 बड़ी खबरें। श्रीलंका के पीएम हाउस में घुसे प्रदर्शनकारी, राष्ट्रपति भवन की छत पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद। गोटाबाया राजपक्षे आज देंगे इस्तीफा, राजपक्षे ने श्रीलंकाई संसद के स्पीकर को दी जानकारी। रनिल विक्रम सिंघे को श्रीलंका का एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया, गोटाबाया राजपक्षे की गैर हाजिरी में संभालेंगे पद। लगातार प्रदर्शन के बीच श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा, श्रीलंकाई पीएम ऑफिस ने दिया आदेश। प्रदर्शन के बीच श्रीलंका आईपीएम रानिल विक्रम सिंघे का आदेश, देश के पश्चिमी प्रांत में कर्फ्यू लगाने को कहा। बंद हुआ श्रीलंका का नेशनल टेलीविजन, टेलीविजन स्टूडियो में घुसे प्रदर्शनकारी, प्रदर्शनकारियों ने हाईजैक किया टीवी स्टूडियो, एंकर की कुर्सी पर बैठकर कहा यहां सिर्फ हमारी खबर चलेगी। श्रीलंका में पीएम आवास की दीवार पर चढ़े लोग, पुलिस के साथ में दीवार पर बने चेकपोस्ट पर धक्का मुक्की हुई। बड़ी संख्या में लोगों ने पीएम आवास में घुसने की कोशिश की, श्रीलंकाई पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। श्रीलंका में एक प्रदर्शनकारी टियर गैस कैनिस्टर से घायल हुआ, प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस का इस्तेमाल कर रहे थे सुरक्षा बल। श्रीलंका में हंगामे के बीच इंसानियत की तस्वीरें भी देखने को मिली है, प्रदर्शनकारियों ने पीएम दफ्तर के बाहर घायल पुलिस वालों का इलाज किया। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में प्रदर्शनकारियों का पीएम आवास की तरफ मार्च के बीच प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। श्रीलंका में प्रधानमंत्री ऑफिस पर कड़ी सुरक्षा, जहां पर मिलिट्री चॉपर से प्रधानमंत्री आवास पर निगरानी रखी जा रही है। श्रीलंका की गाली फेस में प्रदर्शन वाली जगहों पर कड़ी सुरक्षा कर दी गई है, आसमान में उड़ते दिखे स्लेफ हेलीकॉप्टर। श्रीलंका में नेशनल ब्रॉडकास्टर के ऑफिस पर प्रदर्शनकारियों का विरोध, टीवी कॉरपोरेशन के बाहर धरने पर बैठे हैं प्रोटेस्टर्स। कोलंबो में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ा है और साथ ही पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। कोलंबो में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में 4 लोग जख्मी हुए हैं, सभी को नेशनल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। श्रीलंका के मारागामा में एक फ्यूल पंप पर तनाव देखने को मिला है, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से मारपीट की। कोलंबो में पीएम आवास के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, रॉड गेट के साथ पुलिस की भी तैनाती कर दी गई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति देश छोड़कर के भाग चुके हैं, श्रीलंका के पीएमओ ने भागने की पुष्टि की। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बाढ़ की भयानक तस्वीर सामने आई है, पानी की धार में कई बसें बहती हुई दिखाई पड़ी। बिहार की वैशाली में बाढ़ का कहर, गंगा नदी में फंसे हाथी का वीडियो वायरल, हाथी ने 3 किलोमीटर तैरकर अपनी और महावत की जान बचाई। महाराष्ट्र में बाढ़ से 27 जिले प्रभावित, अब तक कुल 89 लोगों की मौत हो गई, 4 लापता और 68 जख्मी हैं। नासिक में बारिश से हाल बेहाल, चाटकपुर और हरनबाड़ी बांध से पानी निकलने के बाद निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। महाराष्ट्र के नागपुर में पानी में बही स्कॉर्पियो गाड़ी, पुलिस के मुताबिक गाड़ी में कुल 6 लोग सवार थे, 3 की बॉडी बरामद कर ली गई है। नवी मुंबई में तेज बारिश की वजह से पहाड़ पर फंसा बछड़ा, स्थानीय युवाओं ने जान जोखिम में डालकर बछड़े की जान बचाई। मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश से सायन इलाके में सड़कों पर जगह जगह जल जमाव। मुंबई में भारी बारिश के बाद उफान पर समंदर, मरीन ड्राइव पर बह रही है हाई टाइड। नवी मुंबई के पास तेज रफ्तार कार नाले में जा गिरी, कार चालक समय रहते कार से उतर गया। पालघर के बसई इलाके में भूस्खलन, हादसे में एक की मौत हो गई, 2 लोग घायल हुए, मौके पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद। कांग्रेस नेता अजय कुमार का राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर विवादित बयान, कहा द्रौपदी मुर्मू आदिवासियों की प्रतिनिधित्व नहीं करती, वो एविल फिलॉसफी का प्रतिनिधित्व करती हैं। बीजेपी का कांग्रेस नेता पर पलटवार, शहजाद पूनावाला ने कहा कड़ी मेहनत से यहां तक पहुंची मुर्मू, किस एविल फिलॉसफी की बात कर रहे हैं अजय। अजय कुमार के बयान पर बोले बीजेपी नेता अमित मालवीय, कांग्रेस वनवासी समुदाय को दुष्ट समझती है।
अजय कुमार का अमित मालवीय पर पलटवार, कहा मैंने द्रौपदी मुर्मू जी को एक अच्छा इंसान कहा, बीजेपी आईटी सेल ने आधा अधूरा वीडियो शेयर किया। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार पर दिए बयान पर कांग्रेस नेता अजय कुमार की सफाई, टाइम्स नाउ से बातचीत में उन्होंने कहा मैंने व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, एनडीए की विचारधारा का विरोध किया। कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का पलटवार, कहा कांग्रेस ने आदिवासियों का अपमान किया, 70 साल में कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी शिवसेना, उद्धव ठाकरे ने कहा यह पहला मौका है जब किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनने का मौका मिल रहा है। पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत विवाद पर भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, गौरव भाटिया बोले हामिद अंसारी ने नुसरत मिर्जा के साथ संवेदनशील जानकारी साझा की। गौरव भाटिया ने कहा गोपनीय जानकारी को ISI के साथ साझा किया गया, भारत को कमजोर करने की कोशिश हुई। उद्धव गुट ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लिखा पत्र, नए मंत्रियों को शपथ नहीं दिलाने का अनुरोध किया। यूपी के फतेहपुर में 5 साल की बच्ची का बोरे में शव मिला, रेप के बाद हत्या किए जाने की आशंका। छत्तीसगढ़ के कांकेर में मेंढकी नदी में फंसे युवक को BSF ने बचाया, मछली पकड़ने के दौरान फंस गया था युवक। केरल के पलक्कड़ में पॉक्सो एक्ट के तहत 6 लोग गिरफ्तार, 11 वर्षीय पीड़िता को उसके माता पिता समेत उसके परिवार ने अगवा कर लिया था। पंजाब में 75 किलोग्राम हेरोइन जब्त, पुलिस और गुजरात ATS के संयुक्त अभियान से मिली कामयाबी। दिल्ली के मायापुरी इलाके में पेड़ से टकराया ट्रक, इस दुर्घटना में 5 गाड़ियों को पहुंचा गंभीर नुकसान। दिल्ली दंगों के दौरान हेट स्पीच का मामला, कई राजनीतिक नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। हरियाणा के यमुनानगर में बाइक को कार ने मारी टक्कर, दुर्घटना में 2 लोगों की मौत। हरियाणा के रोहतक जिले में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या, आपसी कहासुनी के बाद में हुई चाकूबाजी। कश्मीर के मोनगामा त्राल इलाके में NIA की छापेमारी, जैश ए मोहम्मद के आतंकी आसिफ के घर पुलिस ने की छापेमारी। भारतीय सेना ने कश्मीर के पुंछ सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की, मंगलवार की रात पाकिस्तान की तरफ से की गई थी कोशिश। गुजरात के कई हिस्सों में भारी बरसात का दौर जारी है, पिछले 24 घंटे में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 6 लोगों की जान चली गई है। और अधिकारियों के मुताबिक अगर बात करें तो राज्य में बारिश से संबंधित घटनाओं में 1 जून से अभी तक 69 लोगों की जान जा चुकी है और साथ ही 31,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर रेस्क्यू कर दिया गया है। तो देश भर में कई इलाके ऐसे हैं जो लगातार हो रही बारिश की वजह से प्रभावित हैं और उनमें से गुजरात भी उन्हीं प्रदेशों की फहरिस्त में है। गुजरात में जिस तरह से हालात हैं, यहां पर लगातार हो रही बारिश की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों से गुजरात के नवसारी का हाल देखिए, बाढ़ में सब कुछ डूब गया, जहां तक नजर जा रही है बस पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। अब देखिए नवसारी में जमीन पर क्या हालात है, सड़कों में सैलाब आ चुका है, लोग पानी में डूब कर इधर उधर जा रहे हैं, हालात ऐसे हैं कि लोगों के घर में भी पानी भर चुका है, किचन से लेकर बेडरूम तक सब कुछ पानी में डूब चुका है। गुजरात में कुल 33 जिलों में से 18 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश की भविष्यवाणी की है, मौसम विभाग अलर्ट मोड पर है, NDRF को तैयार रहने के निर्देश जारी कर दिए गए। गुजरात के बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 18,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। भारी बारिश के बाद गुजरात के अहमदाबाद के अमरायवादी इलाकों में घरों में पानी घुस आया, हालात ऐसे हो गए कि लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। गुजरात के आणंद से चौंकाने वाली जो तस्वीर सामने आई वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर भारी बारिश की वजह से तालाब ओवरफ्लो हो गए हैं। तालाब ओवरफ्लो होने की वजह से यहाँ एक स्कूल में बच्चे फंस गए हैं, जो रस्सी बांधकर गया, बताया जा रहा है कि वीडियो 4 दिन पुराना है। प्रशासन इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बड़ी हैरान करती है तस्वीर जो है आप देख रहे हैं गुजरात की। देखिए आणंद में आखिर कैसे स्कूली बच्चे यहाँ पर फंसे, जैसे स्कूल में पानी ही पानी यहाँ पर चारों तरफ नजर आया।
तो बारिश ने पूरे गुजरात का हाल बेहाल कर दिया है। वडोदरा में सड़क से गाड़ियां गायब हो चुकी हैं और मगरमच्छ सड़क पर तफरी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जिसमें मगरमच्छ सड़क पर घूमता हुआ नजर आया। देखिए, गुजरात में बारिश और बाढ़ की वजह से गाड़ियां सड़कों से गायब हो गई है। अब सड़कों पर मगरमच्छ घूम रहे हैं। सबूत आपके सामने है। ये मगरमच्छ है जो सड़क पर तफरी के लिए निकला है। नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि मगरमच्छ पानी से निकलकर शहर के अंदर आ गए हैं। मगरमच्छ का ये वीडियो देखकर लोग दहशत में हैं। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब सड़क पर मगरमच्छ दिखा हो। वडोदरा में जब भी भीषण बारिश होती है मगरमच्छ यूं ही शहर में नजर आने लगते हैं। और इस बार ये मगरमच्छ वडोदरा के वाघोडिया इलाके में देखा गया है। वाघोडिया के पूजा पार्क के सामने जब लोगों ने इस मगरमच्छ को देखा तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों ने फॉरेस्ट विभाग को मगरमच्छ के सड़क पर घूमने की सूचना दी। जंगल विभाग ने मगरमच्छ को कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। दरअसल वडोदरा में विश्वामित्री नदी है। इस नदी में अक्सर मगरमच्छ निकलकर शहर की तरफ आ जाते हैं। इन दिनों जमकर बारिश हो रही है। नदियां उफान पर है। जलस्तर बढ़ चुका है। शहर में भी जगह जगह जल भराव देखा जा सकता है। लोगों में दहशत इस बात की है कि जाने कहां और कितने मगरमच्छ शहर में घूम रहे हैं। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सोमनाथ में भावनगर नेशनल हाईवे बंद हो गया है। सोमत नदी का पानी सड़क पर आने की वजह से रास्ते को बंद कर दिया गया है। जी हाँ, लगातार जो बारिश हो रही है अब उसकी वजह से ये पूरा रास्ता जलमग्न हो चुका है। यही वजह है कि इस हाईवे को बंद करना पड़ा। अभी तक हुई बारिश का हाल कैसा है जान लीजिए। सूत्रपाड़ा में अभी तक 4 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। कोडिनार में 3 इंच बारिश हुई है। तलाला में 3 इंच बारिश होने की खबर है। सोमनाथ में भी 1.5 इंच बारिश यहाँ पर अभी तक दर्ज की गई। हालात ये हैं कि नदी नाले सब कुछ उफान पर हैं। देश के कई राज्यों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। गुजरात के छोटा उदयपुर में ऐसा सैलाब आया कि देखते ही देखते सब कुछ बह गया। यानी कि लहरें आई और यहां पर छिछादरा गांव में सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गई। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूरब से पश्चिम तक सैलाब का सितम है। ये तस्वीरें गुजरात के छोटा उदयपुर की है जहाँ बारिश के बाद सैलाब आ गया। पानी के तेज बहाव में पूरा गाँव बह गया। तबाही की ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने भयावह हैं। पानी के तेज बहाव के सामने जो भी आया वो बहता चला गया। हालात पर काबू पाने के लिए एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। मौसम विभाग का कहना है कि डांग, नवसारी, वलसाड में अगले 5 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। मतलब हालात और खतरनाक होंगे। वलसाड, नवसारी, सूरत, तापी, डांग, नर्मदा, छोटा उदयपुर जिलों के साथ कच्छ, राजकोट, जामनगर, देवभूमि, द्वारका और मोरबी में रेड अलर्ट जारी किया गया है। पूर्णा और अंबिका नदियां उफान पर हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। नदी के किनारे रह रहे लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। टाइम्सान और भारत छोटा उदयपुर के उस छछादरा गांव में भी पहुंचा जहां पर बाढ़ और बारिश से तबाही नजर आई थी। इस गांव में अब क्या हालात हैं? जानने के लिए संवाददाता अमित राजपूत की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। टाइम्स नाउ नव भारत की न्यूज टीम जो है वो ग्राउंड जीरो पर छोटा उदयपुर से रिपोर्टिंग कर रही है। और जिस जगह पर हम मौजूद हैं वो छछादरा गांव है। और छछादरा गांव के पास में ये वो नदी है जिसने इस तबाही को अंजाम दिया है। अभी देख सकते हैं, इस उच्च नदी की बात करें, इसका नाम उच्च नदी है। इसका पानी का लेवल जो है वो काफी नीचे है। लेकिन जिस दिन यहां पर बाढ़ आई थी, तबाही क्या मची थी, आप देख सकते हैं कि अभी जब इतना नीचे लेवल है तो जब ये पानी ऊपर आया होगा तब उफान के समय जब यहाँ पे क्या हालात होंगे, आप देख सकते हैं। यहाँ की हम बात करें, घर के घर तबाह हो चुके हैं। 90% गांव जो है वो बर्बाद हो चुका है। यहां कोई नहीं पहुंचा है। टाइम्स नाउ नव भारत की न्यूज टीम जो है वो ग्राउंड जीरो पे पहुंची है। यहां पे नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, बिजली कनेक्टिविटी नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। और खाने का लिए कुछ नहीं है, कपड़े नहीं है। और ये आप घर देख सकते हैं, घर की दीवार पे यहाँ कुछ तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखेंगी। लेकिन अंदर की हम बात करें तो अंदर ये हालात, ये वास्तविकता
सिर्फ तबाही और तबाही। सब कुछ बह चुका है, कुछ नहीं बचा है, न खाने के लिए न पहनने के लिए, और जो जीवन की जो जमा पूंजी थी, जो बचाई हुई जमा पूंजी थी, वो भी इस बाढ़ के अंदर खत्म हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। ये वास्तविकता है इस गांव की, और इस गांव में ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ कीचड़, और ये जो कुछ अटैची आप देख सकते हैं, इसमें कुछ थोड़ा बहुत ये चीजें जो है वो इस तरह से बह के बची हुई हैं, बाकी कुछ नहीं बचा है। यहाँ के इस घर में रहने वाले जो लोग हैं वो बहुत दुखी हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे उफान आया, जिस तरह से यहाँ पे एक प्रलय जल का आया, उसके बाद ये लोगों की परिस्थिति जो है वो बद से बदतर हो चुकी है। प्रशासन यहाँ नहीं पहुँचा है, कोई न्यूज़ चैनल यहाँ तक नहीं पहुँचा है, सिर्फ टाइम्स नाउ नव भारत की न्यूज़ टीम जो है वो यहाँ पे पहुँची है। और अगली तस्वीर हम गोधरा से आपको दिखाने जा रहे हैं। बारिश के बाद शहर में एक ऑटो रिक्शा चलाने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। रिक्शा चालक सड़क पर भरे हुए पानी में डांस कर रहा है। परेशानी में भी आप किस तरीके से मुस्कुरा सकते हैं, खुश रह सकते हैं, इस वीडियो के जरिए ये संदेश मिलता है। वहीं महाराष्ट्र की अगर बात करें तो बाढ़ बारिश से 5 और लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में 5 और लोगों ने बाढ़ और बारिश से अपनी जान गंवा दी है। जी हां, महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात कई इलाकों में देखे गए। कई इलाकों में बाढ़ आई और बाढ़ बारिश से अभी तक कुल मौत का आंकड़ा 79 तक पहुंच चुका है। कई इलाके बेहद ज्यादा प्रभावित हैं, चाहे बात मुंबई हो, नासिक में तो मंदिर पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहे थे, सड़कें पानी पानी नजर आ रही थी। महाराष्ट्र में हो रही मूसलाधार बरसात से हाहाकार मचा हुआ है। मकान दुकान सब पानी में डूब गए, यानी कि 6 जिलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। एक मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। ये तस्वीरें मुंबई की हैं, हर तरफ पानी ही पानी नजर आता है। अकोला में नदियों के उफान की वजह से तटीय इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। ये तस्वीरें नासिक की हैं, जहां मूसलाधार बारिश के बाद सैलाब आ गया। पानी के बहाव में जो आया वो बहता चला गया, मकान दुकान सब पानी में डूबे हैं। भारी बारिश को देखते हुए महाराष्ट्र के 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने पालघर, नासिक, रायगढ़, पुणे, सतारा और कोल्हापुर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बाढ़ वाले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील भी की गई है। वहीं अगर दक्षिण भारत की बात करें तो तेलंगाना में कदम डैम में बाढ़ आई है और आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है। 25 इलाकों के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आसपास के लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है, क्योंकि निचले इलाकों में लगातार पानी भरता जा रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने हालात खराब कर रखे हैं। ये भयावह तस्वीरें देखिए तेलंगाना से। डैम के गेट खोले गए, प्रशासन ने पहले से एहतियात बरतते हुए यहाँ पे जो निचली बस्तियां हैं उन्हें, वहां के लोगों को दूसरी जगह सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया है। तो महाराष्ट्र की तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखाएंगे, किस तरीके से बाढ़ बारिश ने कहर बढ़ा रखा है। यहाँ पर बाढ़ और बारिश के बीच महाराष्ट्र के पुणे से भी एक बेहद दर्दनाक तस्वीर सामने आई, जहाँ एक ही परिवार के देखिए 3 भाई बहनों की डूब कर मौत हो गई है।
एक ही परिवार के तीन बच्चों की एक ही दिन एक ही वक्त पर मौत हो गई। ये दुर्घटना महाराष्ट्र के पुणे में हुई। अंबेथन गांव में खेत के पास के गड्ढे में पानी भरा था, जो तीन मासूम बच्चों की मौत का कारण बन गया। 8 वर्ष का रोहित, 5 वर्ष का राकेश और 4 वर्ष की श्वेता गड्ढे में भरे पानी में नहाने के लिए उतरे, लेकिन वो गड्ढे से निकल नहीं पाए। दरअसल ये गड्ढा बरसात का पानी जमा करने के लिए खोदा गया था, ताकि इकट्ठा हुए पानी से खेत की सिंचाई की जा सके, लेकिन ये गड्ढा तीन बच्चों की मौत की वजह बन गया। पानी भरा ये गड्ढा तीन मासूम बच्चों की कब्रगाह बन गया। इन तीन बच्चों के माता पिता खेत में मजदूरी करते थे, आज ये अपना सब कुछ खो चुके हैं। तो बारिश और बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। बारिश और बाढ़ से इंसान तो इंसान, जानवर भी परेशान है। कैसी ही तस्वीर नवी मुंबई से सामने आई है। यहाँ नवी मुंबई में 3 से 4 दिनों से पहाड़ों पर लगातार बारिश हुई और पहाड़ों पर गाय का बछड़ा यहाँ पर फंसा हुआ है। कुछ लड़कों ने उसे बचाने की कोशिश जरूर की, बछड़े को वो बचा पाए या नहीं, ये रिपोर्ट में देखिए। बाढ़ और बारिश से न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी परेशान है। आपके टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीर पनवेल ब्लॉक के वामबेज इलाके की है। कुछ लड़कों ने यहाँ एक बछड़ा देखा जो कई दिनों से यहाँ फंसा हुआ था, और इन लड़कों ने इस बछड़े को बचाने में पूरी ताकत झोंक दी। घाटी में फंसे गाय के इस बछड़े को स्थानीय लड़कों ने जान जोखिम में डालकर बचाया। लड़कों ने बछड़े की जान बचाई और कुछ लोगों ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो बनाया। जिसने भी इस वीडियो को देखा, इन लड़कों की तारीफ की। दरअसल मलंगगढ़ के पीछे वामवेज इलाके में एक घाटी में गाय का ये बछड़ा 3 से 4 दिनों से फंसा था। तेज बारिश के कारण ये बछड़ा ऊपर नहीं आ सका, लेकिन जब लोगों को इसके फंसे होने की खबर मिली तो स्थानीय लड़कों ने बछड़े के बचाव के लिए अभियान चलाया और बछड़े को बाहर निकाल लिया। बिहार से देखिए एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। यहाँ उफनती नदी के बीच महावत को बिठाकर हाथी के गंगा पार करते तस्वीरें आई है, और तेज धारा में विशाल हाथी भी अनबैलेंस हो रहा था। और फिर क्या हुआ, एक रिपोर्ट में आपको दिखाता है। ये तस्वीरें बिहार के वैशाली की है। गंगा की लहरों में लड़ते ये गजराज है। दरअसल गंगा नदी में अचानक पानी बढ़ने से हाथी के साथ महावत फंस गया था। इसके बाद महावत ने हाथी के साथ गंगा को पार करने का फैसला लिया। वह उफनती नदी के बीच हाथी की पीठ पर बैठकर दूसरे किनारे तक पहुंचा। महावत जान जोखिम में डालकर रुस्तमपुर घाट से पटना जेठुकी घाट जाने के लिए हाथी के साथ नदी में उतर गया। महावत हाथी की गर्दन पर कान पकड़कर बैठ गया। गजराज करीब 1 किलोमीटर दूर उफनती गंगा को तैरकर नदी पार कर गया। नदी के दोनों छोर के अलावा नाव पर सवार लोग भी इस हरतंगेज तस्वीर को देख हैरान थे। नदी की तेज धारा में विशाल काय हाथी भी अनबैलेंस हो जा रहा था, लेकिन कुशल नाविकों की तरह महावत नदी की धार को तिरछी काटते हुए रुस्तमपुर से जेठुली घाट पर उतरने में कामयाब हो गया। और एक तस्वीर उड़ीसा से, बाढ़ के बीच उड़ीसा के बिरहमपुर से खौफनाक तस्वीर सामने आई है। जी हाँ, यहाँ पर एक छात्र रस्सी के सहारे नदी पार कर स्कूल जाने को मजबूर है, देखिए रिपोर्ट। पानी की तेज रफ्तार के बीच कंधे पर बस्ता और हाथ में रस्सी, जान पर खेलकर ऐसे स्कूल पहुँचते हैं ये छात्र। ये तस्वीरें उड़ीसा के गंजम जिले की, जहां छात्र स्कूल पहुंचने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे नदी पार करते नजर आ रहे हैं। ये कोई पहली दफा नहीं है, हर साल ये बच्चे सैलाब के बीच नदी पार कर स्कूल पढ़ने जाते हैं। जरा सोचिए, अगर हाथ से रस्सी छूट गई तो क्या होगा। दरअसल नदी पार करने के लिए कोई पुल नहीं है और एकमात्र सहारा ये रस्सी है। तेज बहाव के बीच ये बच्चे रस्सी के सहारे अपना भविष्य संवारने जाते हैं। प्रशासन को पता ही नहीं कि बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने जा रहे हैं, और ऐसे में अगर कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।
और अगर बात उत्तराखंड की करें तो वहां पर भी मूसलाधार बारिश लगातार जारी है। भारी बारिश के कारण जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं, कई सड़कें भी टूट चुकी। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी बुधवार को भी देहरादून समेत 5 जिलों में इसी तरह के हालात रहेंगे, बारिश होती रहेगी। ऐसे में सावधानी खुद आप लोग बरतिएगा, ये हम आपसे अपील कर रहे हैं। मंगलवार रात को हुई बारिश ने बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का ये हाल कर दिया, जिसके कारण यात्रा पर ब्रेक लग गया। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे उमटा धार के पास पहाड़ी से मलबा आया और पूरी की पूरी सड़क टूट गई। लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ के पेड़ भी टूटकर नीचे आ गए। इस लैंडस्लाइड की चपेट में 2 पॉकलैंड मशीन भी आ गई हैं और एक ढाबे को भी नुकसान हुआ है। हाईवे के बंद होने से लोग दोनों छोर और वाहनों की लंबी लाइनें लग गई हैं। बारिश के चलते कर्णप्रयाग सुभाष नगर पैदल मार्ग भी बंद हो गया है। कर्णप्रयाग नौटी मोटर मार्ग भी मलबा आने से बंद पड़ा हुआ है। भारी बारिश के कारण 9 कैंची बैंड के पास यमुनोत्री पैदल मार्ग पर पानी का सैलाब बह रहा है, जिसके कारण तीर्थ यात्रियों पर ब्रेक लग गया। बारिश के कारण यमुनोत्री पैदल मार्ग पर छोटे बड़े नाले और झरने उफान पर हैं। पैदल मार्ग अब तीर्थ यात्रियों की आवाजाही के लिए जोखिम भरा बन गया है। जगह जगह पानी के बड़े झरने गिर रहे हैं। यमुनोत्री तक जाने वाले पैदल मार्ग पर तीर्थ यात्रियों के लिए बनाया गया 3 शेड भी क्षतिग्रस्त हो गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यमुनोत्री पैदल मार्ग भारी मात्रा में झरनों और नालों का पानी बह रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश का कहर थम नहीं रहा है। मनाली में भारी बारिश हुई और अचानक सैलाब आ गया, जिसमें बसें भी डूबती हुई नजर आई। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। ये सैलाब देखिए, पानी के तेज बहाव में बसों का क्या हाल हुआ है। जल प्रलय की भयानक तस्वीरें मनाली की हैं। बारिश के बाद अचानक भजोगी नाला उफान पर आ गया और देखते ही देखते पूरा इलाका पानी पानी हो गया। वॉल्वो बस स्टैंड भी नाले में तब्दील हो गया। बस स्टैंड पर अचानक सैलाब आ गया। पानी के इस तेज बहाव के बाद अफरा तफरी मच गई। पहाड़ से मैदान तक लगातार हो रही बारिश से हाहाकार मचा है। ये तस्वीरें तबाही की गवाही दे रही हैं। लोग अपनी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। मूसलाधार बारिश से मनाली में बाढ़ जैसे हालात हैं। मनाली प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि नदी नालों के पास न जाएं, सतर्क रहें, क्योंकि ये सैलाब जानलेवा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। वहीं श्रीलंका में आज प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री दफ्तर में कब्जा जमा लिया। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी वहां पहुंचे थे। प्रधानमंत्री कार्यालय की छत पर चढ़ गए और प्रदर्शन करने लगे। आंदोलनकारियों ने पीएम आवास के अंदर नारेबाजी भी की है और आज पिछले करीब 4 घंटे से कोलंबो की सड़कों पर बवाल लगातार मचा हुआ है। वहां पर जो सुरक्षाकर्मी पहुंचे थे उनकी गाड़ी तक को इन प्रदर्शनकारियों ने पंक्चर कर दिया, उसकी हवा निकाल दी और पूरे आवास पर चढ़ गए। श्रीलंका में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की आवाज पे कब्जा करने के बाद अब श्रीलंकाई प्रदर्शनकारियों ने यहां के प्रधानमंत्री आवास को भी अपने कब्जे में कर लिया है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जो दिखा रही है कि किस तरीके से हजारों की संख्या में जो श्रीलंका के प्रोफेसर हैं वो यहां पे आ चुके हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री आवास को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है। काफी घंटों तक मशक्कत चली, दोनों पक्षों के बीच में टियर शेल्स की लड़ाई हो रही थी। एक तरफ जहां पुलिस प्रदर्शनकारियों पर टियर शेल्स फेंक रही थी, वह प्रदर्शनकारी भी इस टियर शेल के अटैक का मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, ये प्रधानमंत्री आवास की है जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री जो अब से कुछ ही देर पहले तक रनिल विक्रमसिंघे थे उनका दफ्तर था, उसके ऊपर किस तरीके से लोग चढ़े हुए हैं। खिड़कियों में आप देखें हर जगह पे प्रदर्शनकारी अब मौजूद हैं। उन लोगों को मैसेज देना चाहते थे कि जिस तरीके से गोटाबाया राजपक्षा ने रनिल विक्रमसिंघे को अपने पद पे बिठा दिया, एक इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया, ऐसी हालात में प्रदर्शनकारी बिल्कुल भी इस बात से मानने को तैयार नहीं थे। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से श्रीलंका की राजधानी कोलंबो की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां
तो श्रीलंका में किस तरह के हालात हैं वो आप लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं। हमारे साथी इस समय प्रियांक श्रीलंका से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। प्रियांक, आप वहां के हालातों को कवर कर रखे हैं, जरा ये समझाने की कोशिश कीजिए कि वहां तस्वीरें क्या हैं, वहां लोग क्या चाह रहे हैं, अब उनकी मांगे क्या हैं? जी देखिए, लोगों की मुख्य मांग 3.5 महीने से बहुत सिंपल है कि गोटाबाया राजपक्षा और महिंदा राजपक्षा के परिवार के जो सदस्य हैं वो सरकार में नहीं रहे। लेकिन जब से महिंदा राजपक्षा यहाँ से प्रधानमंत्री के पद से हटे और रनिल विक्रमसिंघे आ गए, तब से उनकी उनका जो गुस्सा है वो विक्रमसिंघे में भी आ गया था। और आज जब सुबह के समय गोटाबाया राजपक्षा यहाँ के श्रीलंका से भागने में कामयाब हो गए, उन्होंने हवाई जहाज लिया जो एयरफोर्स का यहाँ का था, तब से लेके अब तक लोगों का गुस्सा गोटाबाया राजपक्ष पे नहीं बल्कि रनिल विक्रमसिंघे पे टूटा पड़ा है। आप देख सकते हैं तस्वीर में किस तरीके से प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है वहां पे इन लोगों ने अटैक कर दिया। पहले हमने देखा था किस तरीके से प्रधानमंत्री के आवास, राष्ट्रपति के आवास, राष्ट्रपति का जो सचिवालय था, हर जगह पे प्रदर्शनकारियों ने आतंक का तांडव मचाया हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इमारतों पर अटैक करके आखिरकार इनको क्या मिलेगा। वहीं एक जानकारी हम अपने दर्शकों को बता दें, गोटाबाया ने बोला है कि आज ही वो इस्तीफा दे देंगे और शाम को 5 बजे जो यहाँ के स्पीकर है उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग मौजूद होंगे। जी बिल्कुल, और इसीलिए रानिल विक्रमसिंघे के खिलाफ अब लोगों की नाराजगी, ऐसे में आगे राजनीतिक हालात क्या बनते हैं वो भी देखना होगा। प्रियांक, आप लगातार हमारे साथ बने रहें, आपके जरिए हम तस्वीरें पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल ये 7 तस्वीरें हमारे दर्शकों के सामने हैं। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी आज सड़कों पर उतरे, भीड़ पर फायरिंग भी करनी पड़ी, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े उनको संभालने के लिए, और सेना को भी आदेश अब दे दिए गए हैं कि आप इन प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटें और इन्हें वहां से हटाएं। लेकिन सबसे खास बात ये भी श्वेता की जो मांगे थी लगातार, जो ये कहा जाए जो नेतृत्व था उसके प्रति इनकी नाराजगी थी, अब वो नाराजगी जो है वो और भी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि जो नेतृत्व था वो भले ही जा चुके हों, राजपक्षे भले जा चुके हों, उनका परिवार जा चुका हो, लेकिन अभी भी नाराजगी जस की तस है। अपर कोलंबो की सड़क पर उतरी भीड़ को खदेड़ने के लिए सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं और इस दौरान चारों तरफ आंसू गैस का गुबार छा गया। और इस पूरी कार्रवाई के बाद भी सड़क पर भीड़ उतर आई, इधर उधर जो भीड़ थी वो भागने लग गई। प्रदर्शनकारियों को संभालने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन हालात में बहुत ज्यादा सुधार नहीं दिखाई दिया, भीड़ मानने को तैयार नहीं थी। प्रदर्शन के दौरान 30 लोग घायल भी हो गए हैं, ये देखिए, क्योंकि आदेश जारी कर दिए गए हैं सेना को कि आप हालात को संभालें, अगर प्रदर्शनकारी नहीं समझते हैं, नहीं हटते हैं, तो आप उन पर कार्रवाई करें। श्रीलंका में पीएम दफ्तर में घुसे प्रदर्शनकारी गाना बजाना कर रहे हैं, तस्वीरें आप देखिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, इस समय की बड़ी खबर फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती पर एनसीबी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। खुलासा, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी चार्जशीट में दावा किया कि रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स रैकेट में शामिल थे। जी, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग पेडलर के संपर्क में थी और उन पर ड्रग्स सप्लाई का भी आरोप है। रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ती हुई, शौविक चक्रवर्ती रिया चक्रवर्ती के भाई हैं। सुशांत सिंह राजपूत के समय दोनों का नाम ड्रग्स रैकेट से जुड़ा, मामले में जांच आगे बढ़ी।
कुछ समय के लिए राहत भरी, राहत जरूर रही रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के लिए, लेकिन अब देखिए जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें कई बड़ी बातें रिया और शौविक के खिलाफ लिखी गई हैं। तो एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उसकी भी जानकारी आपको पहुंचा दें। देखिए एक दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से 45 पिस्टल बरामद किए गए हैं। 45 पिस्टल के साथ पति और पत्नी को गिरफ्तार किया गया है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। 10 जुलाई को दरअसल ये दंपति वियतनाम से लौटा था और ये बड़ी खबर, दंपति जो लौटा था टर्की से भी इसने 25 पिस्टल लाने की बात भी कबूल की है। तो 10 जुलाई को ही ये दंपति लौटे, लेकिन जो बड़ी जानकारी ये मिल रही है, इसके पहले भी कई बार इसी तरह से हथियार विदेश से भारत ये लेकर आए हैं, अब वियतनाम से बताया जा रहा है। जो 10 जुलाई को ये दंपति लौटे, लेकिन इसके पहले 25 पिस्टल्स और वियतनाम से 45 पिस्टल्स लाए जाने की खबर है। बड़ी जानकारी दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से देखिए बरामदगी हुई है, 45 पिस्टल के साथ एक पति और पत्नी को पकड़ा गया है। एयरपोर्ट पर बड़ी साजिश नाकाम की गई है और सबसे बड़ा सवाल यह कि 45 पिस्टल अभी लाने का दरअसल मकसद क्या था। तो ज्ञानवापी पर आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है। एक और अहम खबर आपको बता दें जिसमें हिंदू पक्ष ने आज कोर्ट में दलील रखी है। वहीं ज्ञानवापी को विश्वेश्वर मंदिर की जमीन बताया, कल फिर से देखें ज्ञानवापी पर सुनवाई होगी, क्या इस सुनवाई से सामने आएगा देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज की दलीलें रखी जा चुकी है, हिंदू पक्ष ने आज कोर्ट में अपनी दलीलें रखी हैं और विश्वेश्वर मंदिर की जमीन ज्ञानवापी का हिस्सा बताया गया है, कल फिर इस मसले पर सुनवाई होगी। ज्ञानवापी पर अब सुनवाई निरंतर हो रही है। कल मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो अपनी दलीलें रखी जा रही थी, कल काफी बहस हुई थी।